फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये कपड़ा है जिसमें से हम बहुत ही प्यारी कुर्ती बनाएंगे और ये 2 मीटर कपड़ा है। तो सबसे पहले हम कुर्ती का ये जो कपड़ा है उसे खोल देंगे। अब देखिए, ये जो कपड़ा है उसे मैंने ऐसे डबल फोल्ड किया हुआ है और यहाँ से कुर्ती का खुला साइड है कपड़े का। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे क्रॉस लेना है। इस तरीके से हमें क्रॉस में रखना है। ये जो यहाँ पे कॉर्नर है वही उठाना है हमें और ऐसे क्रॉस में रखना है। तो यहाँ पे हमें ऐसे रखना है। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्रॉस में ऐसे रखा हुआ है और यहाँ से हमें ये जो देखिए यहाँ पे कॉर्नर निकल रहा है तो वो हम ऐसे पहले सीधा कर देंगे। इस तरीके से ये हमने सीधा कर दिया है। अब हमें क्या करना है, तो देखिए ये मेरी कुर्ती है, उसको लेना है आपके पास। जो भी अच्छी फिटिंग की कुर्ती है वो ले सकते हैं। ये मेरी रेडीमेड कुर्ती है तो मैं यही ले रही हूँ। अब मैं कुर्ती को उल्टा कर दूंगी। अब देखिए, हमने ये कुर्ती को ऐसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमने ये जो हमने क्रॉस में रखा था उसके ऊपर ऐसे अच्छे से रख देना है। देखिए मैंने रखा। अब हम सबसे पहले यहाँ पे आर्म होल का चौक से निशान करेंगे। और देखिए ये स्ट्रेचेबल है तो हम थोड़ी सी इसमें ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि ये इतनी ही सिलाई है तो हम थोड़ी ज्यादा ले लेंगे। ये देखिए मैंने 1.5 इंच जितनी ज्यादा ली है। अब देखिए यहाँ पे हमने आर्महोल पे निशान कर लिया है और 1.5 इंच में हमें ऐसे ये जो है ना वहाँ पे ऐसे निशान करके जाना है। और नीचे की ओर हम ऐसे राउंड शेप दे देंगे। अब हम जो चौक से मार्क किया है वहां से कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुर्ती को कट कर लिया है और इसकी लंबाई कितनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। 40 इंचेस की लंबाई है और हम जो नीचे की ओर फोल्ड करेंगे यहाँ पे जाएगा तो 39 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हम शोल्डर का मार्क करेंगे तो 4 इंच पे हमें शोल्डर का मार्क करना है। अब हम दोनों पार्ट को अलग कर देंगे और सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट तैयार करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना है और फिर हमें यहाँ से राउंड शेप लेना है ऐसे और यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब देखिए हमें 10 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। और हमें सेंटर में से ऐसे कट लगाना है। अब हमें ऐसी स्ट्रेट पट्टी लेनी है, पीछे मैंने फ्यूज पेपर लगा दिया है। अब मैं इसका नाप आपको बता देती हूँ, तो ये 11 इंचेस है और यहाँ से ये 2 इंचेस है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो कट लगाया है वहां पे हमें सीधे साइड ऐसे रखना है। ये जो स्ट्रेट पट्टी है उसको ऐसे रखना है और उसके ऊपर हमें ये ऐसे रखना है और हमें स्टिच करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे पिन लगा दी है और ये पट्टी को ऐसे हमने अटैच किया है। अब क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें स्टिच कर लेनी है ऐसे और सेंटर में से हमें कट करना है। अब देखिए हमने ये जो स्ट्रेट पट्टी है उसको अटैच कर लिया है। अब हम सेंटर में से कट लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे कॉर्नर के पास हमें ऐसे क्रॉस में कट लगाना है। अब हम इसको पलट के पीछे की ओर ले जाएंगे और यहाँ पे प्रेस स्टिच कर देंगे और ये जो है उसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से लेके हम यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टिच कर ली है यहाँ पे और पीछे की ओर ये फोल्ड कर लिया। अब हमें एक स्क्वायर है जिसकी ऐसी स्ट्रेट पट्टी लेनी है जिसको मैंने स्टिच करके उल्टा सीधा कर दिया है। ये देखिए मैंने यहाँ से स्टिच कर दी और ये देखिए मैंने ये पोटली बटन बनाए हैं तो वो सब हमें लेने हैं और ऐसे हमें अटैच करने हैं 1 बाय 1। ये देखिए मैंने इतने सारे बनाए हैं
वो हम इस तरीके से वन बाय वन इस पट्टी में अटैच कर देंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने वन बाय वन पोटलियां अटैच कर ली है। अब क्या करना है, अब देखिए ये जो हमने सेंटर में से कट किया था ना, वहां पे हमें ये जो पट्टी है ना स्ट्रेट पट्टी वो रखनी है और ऐसे रखनी है। देखिए यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर है वहां पे हमें सीधा रखना है और हमें यहाँ पे स्टिच करनी है सीधी, और ये जो है वो हमें पोटली के नीचे की ओर हमें स्टिच करनी है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से पोटली बटन अटैच कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो पीछे का पार्ट है वो लेना है, उसे ऐसे फैला देना है, उसके ऊपर ये जो सीधा पार्ट है वो भी हम फैला देंगे। अब देखिए हमने ऐसे रख लिया है। अब हम जो नेक आगे का कट किया है वहां से हमें चौक का पीछे की ओर मार्क करना है ऐसे, और हाफ इंच पे हमें ऐसे राउंड कर लेना है, थोड़ा सा ही हमें करना है सिर्फ हाफ इंच, और वो हम कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने कट लगा दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें 3 इंच पे ऐसे कट लगाना है, यहाँ पे ऐसे आप जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। हम पीछे की ओर एक हुक लगाएंगे इसीलिए मैंने ये कट किया है। अब देखिए यहाँ पे हमने कट लगाया था, उससे हमें 1 या 1.5 इंच बड़ी ऐसी पट्टी लेनी है और हमें सीधी साइड रखना है वो पट्टी को, उल्टी साइड हमें ये कुर्ती को रखना है और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कट लगा के सीधा कर लेना है। अब देखिए हमने ऐसे पलट दिया है, स्टिच किया उसके बाद हमने पलट दिया। अब देखिए यहाँ पे जो खुला पार्ट है उसे ऐसे फोल्ड करना है और स्टिच करना है, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक स्टिच करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने कैसे स्टिच करके जोड़ लिया है अच्छे से। अब हम दोनों पार्ट को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमें शोल्डर को जोड़ लेना है, देखिए ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखिए दोनों पार्टों को हमने जोड़ दिया है, देखिए हमने दोनों पार्टों को जोड़ा। उसके बाद हमें ऐसे 16x3 इंच की पट्टी लेनी है जिसमें मैंने ये कॉलर नेक के लिए बुकरम अटैच किया है। अब मैंने ये जो नाप लिया है ये जो राउंड है उसका लिया है और उससे 1 इंच बड़ा रखा है। अब हमें क्या करना है, ऐसे फोल्ड करना है यहाँ से, और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है स्टिच करना और हमें यहाँ पे फिनिश करके इसी तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए पूरे राउंड में हमने स्टिच करके ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर का कपड़ा है उसे ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे फोल्ड करके हमें सीधा पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे पूरे राउंड में अटैच कर लिया है यहाँ पे फोल्ड करके। तो देखिए बहुत ही प्यारा हमारा कॉलर नेक रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, स्लीव्स बनानी है, तो जो साइड में से कपड़ा बचा था ना हमारा वो लेना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये डबल है, ऐसे कॉर्नर बचा हुआ है तो इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है, इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। अब हमें कुर्ती को लेना है, इस आर्मोर को हमें ऐसे पकड़ना है और जहां से हमें ये खुली साइड है और यहाँ पे बंद साइड, तो हम जहां पे ये जो कपड़ा पूरा हो रहा है ना वहां पे हमें ऐसे रखना है, देखिए इस तरीके से हमें रखना है और ये जितनी लंबाई है मुझे उतना ही रखना है और यहाँ पे मैं छोटा करूंगी ऐसे क्रॉस में। तो इसका मैं आपको नाप बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चौक से मार्क कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे मैं लंबाई रख रही हूँ 12.5 इंच और यहाँ पे मैं रख रही हूँ 6 इंच। अब हमें ये जो राउंड है ना वो ऐसे मिलाना है और फिर हमें कट कर लेना, देखिए यहाँ से कट करना है और यहाँ से। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पे हमें आर्मोर पे ये अटैच करना है और ये दो स्लीव्स हमारी निकल गई। अब हमें क्या करना है, नीचे की ओर हमें यहाँ पे फोल्ड कर लेना है सबसे पहले दोनों स्लीव्स में। तो देखिए यहाँ पे हमने ऐसे स्टिच कर लिया। अब हमें ये कुर्ती लेनी है अब हमें यहाँ पे सेंटर में कट लगाना है। और ऐसे हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे जो जोड़ा हुआ पार्ट है वहां से हमें स्टिच करना स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करना है ऐसे पूरे राउंड में। अब देखिए यहाँ पे हमने स्लीव्स को ऐसे अटैच कर लिया है। अब हमें ऐसे कुर्ती को फोल्ड करना है और यहाँ से हमें स्टिच करना है,
देखिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच करेंगे और दूसरी साइड भी ऐसे ही स्टिच करेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमने स्टिच कर लिया है, अब नीचे की ओर हमें फोल्ड कर लेना है यहाँ पे और पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरे राउंड में स्टिच करके फोल्ड कर लिया, अब हम कुर्ती को सीधा कर लेंगे। अब देखिए हमारी पूरी कुर्ती रेडी हो गई। देखिए 2 मीटर कपड़े में हमने फुल घेर वाली सुंदर कुर्ती नेक कॉलर वाले नेक वाली बनाई। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।